एआई की दुनिया बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। कई लोग हैं जो एआई की वजह से बड़ा नाम बन गए हैं और उनमें से एक नाम है आरती प्रभाकर का। आरती ने एआई की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को व्हाइट हाउस में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आरती प्रभाकर कौन है और कैसे उन्होंने अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस तकनीक को पेश किया, आइए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई। आरती प्रभाकर एक इंजीनियर और सोशल वर्कर हैं। इन्होंने व्हाइट हाउस को एआई की आने वाली पॉसिबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करने में एक अहम रोल निभाया है। 2022 में आरती को प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ओएसटीपी और साइंस एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया था। इस रोल को निभाने वाली वो पहली महिला और इमिग्रेंट हैं। ओएसटीपी के तौर पर वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने में अहम रोल निभाती हैं। अगर व्हाइट हाउस में उनके रोल की बात की जाए तो आरती एआई से जुड़ी नीतियों को आकार देने में एक्टिवली शामिल रही है। वो एआई के पोटेंशियल को समझती हैं और इस पर भी जोर देती है कि इसके रिस्क को भी मैनेज किया जा सके। उनके नेतृत्व में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एआई सेफ्टी, प्राइवेसी और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए कई जरूरी स्टेप्स लिए हैं। इस सब की शुरुआत 2023 के मार्च में हुई थी, जब आरती ने ओवल ऑफिस में एक लैपटॉप का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति जो बाइडेन को चैट जीपीटी के बारे में बताया। इसके 6 महीने बाद बाइडेन ने एक लैंडमार्क एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। इसका फोकस एआई सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और इनोवेशन पर है। आज के वक्त में आरती डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं, साथ ही एआई के डेवलपमेंट में प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं। बात करें उनके शुरुआती जीवन की, आरती का जन्म दिल्ली में हुआ और 3 साल की उम्र में वो यूएस शिफ्ट हो गई। उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक डिग्री है और इसके बाद उन्होंने अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी पूरी की। 1984 में वो पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। साल 2023 में प्रभाकर को चर्चा तब मिली जब उन्होंने भारत के साथ एआई कोलैबोरेशन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने सभी नागरिकों के फायदे के लिए सेफ टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बात की। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।